जी जी ठीक है। तो हम लोग खुद को समझने का काम कर रहे हैं। तो उसमें हमने अभी एक तो ये बात की कि बेसिकली हम लोग इसको ऐसे देखें कि जब भी हमको किसी यूनिट को समझना होता है तो हमको दो तीन मुद्दों पे ध्यान देना जरूरी है। तो एक मुद्दा तो ये है कि भाई किसी भी यूनिट का पर्पस क्या है। और अगर जैसे हमने अपने मोबाइल को समझना है तो मोबाइल के अर्थ में देखने जाते हैं कि मोबाइल का पर्पस क्या है। दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि मोबाइल की बनावट क्या है। तीसरी बात हमको ये देखनी है कि मोबाइल काम कैसे करता है, मोबाइल फंक्शन कैसे करता है। इसी तरह से अगर हमको अपने आप को समझना है, अगर हमने खुद को समझना है, तो खुद को समझने के लिए भी ये तीन बातों पे ध्यान देना जरूरी है कि एक तो मेरे जीवन का मकसद क्या है, दूसरा मुद्दा यह है कि मेरी बनावट क्या है, और तीसरा मुद्दा यह है कि मैं काम कैसे करता हूँ, मेरा फंक्शन क्या है। तो इस हार्मनी इन द ह्यूमन बींग की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे जीने का मकसद क्या है। तो कल से लेके अभी तक की जितनी भी बात हुई है तो हम ये कोशिश कर रहे थे और ये एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रहे हैं कि जीने का मकसद तो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी है। इसी तरह से फिर हमने ये भी बात करने की कोशिश की कि मेरी बनावट क्या है। अपनी बनावट को समझने जाए तो इस पर बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई कि मैं ह्यूमन बींग के रूप में सेल्फ और बॉडी दोनों का कोएग्जिस्टेंस हूँ। तो सेल्फ की नीड कंटिन्यूअस है, बॉडी की नीड टेम्पररी है। सेल्फ के लेवल पर देखने जाए तो सेल्फ का जो रिस्पॉन्स है, सेल्फ का जो पहचानना या निर्वाह करना है, वो या तो वो एजम्पशंस के साथ होगा या फिर जानने मान नोइंग के बेसिस पे होगा। तो जब सेल्फ के लेवल पे जो रिस्पॉन्स है पहचानना निर्वाह करना, अगर वो जानने मानने के बेसिस पे होता है तो हमारा जानना पहचानना निर्वाह करना डेफिनेट होता है। अगर सेल्फ का रिस्पॉन्स जो है वो सिर्फ एजम्पशंस के बेसिस पे होता है तो हमारा एजम्पशन गलत भी हो सकता है। जैसे बहुत बार हम देखते हैं कि हम बहुत सारे रिलेशनशिप बना लेते हैं और जब हम रिलेशनशिप को निभाने जाते हैं तो अगर हमने अजम्पशंस के बेसिस पे बनाए होते हैं तो शुरू शुरू में तो हम बहुत खुश होते हैं उस संबंध को लेके, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल के बाद जीने के बाद ये लगता है कि नहीं नहीं ये वो तो नहीं इसकी मुझे था। तो ऐसा क्या हो गया, वो आदमी तो वही है। बेसिकली क्या है, अब मेरा उस व्यक्ति के बारे में, उस ह्यूमन के बारे में अजम्पशन बदल गया। तो जब मेरा अजम्पशन बदल जाता है तब मुझे लगता है कि अब मैं इसके साथ नहीं जी सकता। तो हम लोग अब बार बार इस बात पे जोर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मेरा एजम्पशन मेरे नॉलेज के बेसिस पे होता है, नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे होता है, तो क्योंकि नेचुरल एक्सेप्टेंस कभी भी नहीं बदलती, टाइम के साथ नहीं बदलती, पर्सन के साथ नहीं बदलती, प्लेस के साथ नहीं बदलती, इसीलिए मेरा जो एजम्पशंस हैं वो डेफिनेट हो सकते हैं। और जब मेरा एजम्पशन डेफिनेट होता है तो मेरा रिकग्निशन और फुलफिलमेंट डेफिनेट हो सकता है। तो ये तो बनावट के बारे में बात है कि जितना जितना सेल्फ के लेवल पे नॉलेज का काम करेंगे उतना उतना जो है हमारा एजम्पशन डेफिनेट हो सकता है। और जब हमारा एजम्पशन डेफिनेट होता है तो हमारा रिकग्निशन और हमारा फुलफिलमेंट भी डेफिनेट होता है। इट लीड्स टू डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट। इसी तरह से अगर हम आगे चल के अब थोड़ी सी प्रोस्पेरिटी की बात करें तो सुख के बारे में तो हमने बात की थी कि हार्मनी को समझ पाना ये सुख है, अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को समझ पाना, अपने पूरे इमेजिनेशन को नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ अलाइन कर पाना, ये सुख की बात है। सुख के साथ साथ एक और बात ध्यान में आती है कि जो बॉडी के साथ भी मेरा जीना हुआ जो जुड़ा ही हुआ है, तो बॉडी और सेल्फ जो इन दोनों का कोएग्जिस्टेंस है, इन दोनों का जो कोएग्जिस्टेंस है इसको भी ठीक ठीक समझना जरूरी है। तो बेसिकली ठीक से देखें तो सेल्फ और बॉडी इन दोनों के बीच में क्या ट्रांजेक्शन होती हैं। तो ठीक से देखें तो जो भी ट्रांजेक्शन हैं वो तो इंफॉर्मेशन के लेवल पे है, बॉडी से सेंसेशन जाती हैं सेल्फ के लेवल पे। सेंसेशंस को पढ़ता है और डिसाइड करता है मुझे क्या करना। जैसे हमें कैसे पता लगता है हमें भूख लग गई, तो बेसिकली हमारे स्टमक में कुछ सेंसेशन होती है, उस सेंसेशन की इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचती है, सेल्फ तक पहुंचती है, और हम डिसाइड करते हैं कि आज मैंने खाना है या आज मेरा फास्ट है। तो कई बार मैं ये डिसाइड कर लेता हूँ मुझे खाना है, कई बार मैं ये डिसाइड कर लेता हूँ मेरा फास्ट है। तो बॉडी से जो सेल्फ को मिलता है वो तो सेंसेशन की इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन जो सेल्फ से बॉडी को जाता है वो तो इंस्ट्रक्शन जाती है। तो या तो ये इंस्ट्रक्शन जाएगी कि खाना खा लो, या इंस्ट्रक्शन ये जाएगी कि आज खाना नहीं खाना, आज पानी पीना है। तो ठीक से देखें तो सेल्फ और बॉडी इन दोनों का कोएग्जिस्टेंस है, और दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होती है वो तो इंफॉर्मेशन की ट्रांजेक्शन होती रहती है। सेल्फ की नीड को देखने जाए तो सेल्फ की नीड कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी है, कंटिन्यूटी चाहते हैं। एक मोमेंट के लिए भी हम सेल्फ के लेवल पे दुखी नहीं होना चाहते। लेकिन अगर बॉडी के लेवल पे देखें तो बॉडी की नीड फिजिकल फैसिलिटी है। बॉडी की नीड को देखें तो ये टेम्पररी दिखाई देती है, सेल्फ की नीड को देखें तो ये कंटिन्यूअस दिखाई देती है। जैसे हमने सुबह नाश्ता किया था, अब हम लंच करेंगे,
है ना। अब हम लंच करने के बाद इमिजिएटली आधे घंटे बाद खा लेंगे ऐसा नहीं है, अब हम रात को खाएंगे, दोपहर को खाने के बाद रात को खाएंगे। तो ये बात ध्यान में आती है कि जो बॉडी की नीड है वो इंटरमिटेंट है, वो टेम्पररी है। जैसे अब गर्मियां हो रही हैं तो अब हम हल्के कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन अगर हम अभी कोट पहनेंगे क्या, अभी हम स्वेटर पहनेंगे क्या, अब हम नहीं पहनेंगे, अब हम सर्दियों में पहनेंगे क्यों। तो जैसी नीड होती है, जैसी वातावरण के हिसाब से नीड होती है, उसके हिसाब से बॉडी की नीड का हम फुलफिलमेंट करते हैं। लेकिन गर्मी है या सर्दी है, दिन है या रात है, जो हैप्पीनेस की नीड है वो तो हमारे अंदर हमेशा हमेशा बनी हुई है। तो ये बात का जो डिफरेंस है ये समझना जरूरी है। तो मेरे एक टीचर हैं कानपुर में, गणेश बागड़िया जी, उनके पास एक स्टूडेंट आया और स्टूडेंट जो है वो बड़ा एरोगेंटली अपने उनसे बात कर रहा था टीचर से, और बोला कि सर आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई नीड्स, वेन आई हैव ए गुड ब्रेकफास्ट देन आई फील हैप्पी अबाउट इट एंड आई लुक फॉरवर्ड फॉर ए बेटर लंच, एंड वेन आई हैव ए बेटर लंच देन आई एम हैप्पी अबाउट इट एंड देन आई लुक फॉरवर्ड फॉर ए बेटर डिनर। तो जो हमारे टीचर हैं बागड़िया जी, उन्होंने कहा देखो आपको ब्रेकफास्ट अच्छा मिल जाए बहुत अच्छी बात है, आपको लंच और डिनर भी मिल जाए ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा जो कंसर्न है वो तो इतना है कि जब ब्रेकफास्ट से लंच के बीच में और जो लंच से डिनर के बीच में ये 5-5 घंटे का समय है, इस 5-5 घंटे के गैप में भी आपने सुखी होना या नहीं होना। तो उस बच्चे का ध्यान गया कि बात तो ठीक है, क्योंकि सेल्फ की जो नीड है, चाहे हम खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे, चाहे हम जाग रहे हैं या सो रहे हैं, चाहे हम नींद में हैं चाहे हम काम कर रहे हैं, सेल्फ की जो नीड है वो तो कंटिन्यूअस है। बॉडी के लेवल पे देखें तो बॉडी की जो भी नीड है वो सब टेम्पररी है, इंक्लूडिंग सांस लेना और सांस छोड़ना, क्योंकि हम सांस इनहेल ही नहीं करते रहते, हम एक बार इनहेल करते हैं फिर एक बार ब्रेक होती है फिर हम उसके बाद एक्सहेल करते हैं। अगर हम इनहेल करते रहें है ना, या हम एक्सहेल ही करते रहें तो ऐसा नहीं होता। तो ठीक से देखें तो बॉडी की एक्टिविटीज टेम्पररी दिखाई देती हैं, सेल्फ की एक्टिविटीज कंटिन्यूअस दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर इस बात को देखना बहुत जरूरी है कि हम बार बार अपने अंदर ये देखें कि बॉडी के लेवल पे अगर हमको हेल्थ चाहिए तो हेल्थ का मतलब क्या है इसको समझा जाए। तो हेल्थ का मतलब ये है कि जो बॉडी है वो सेल्फ के अकॉर्डिंग काम कर पाती है। जैसे अभी आप बैठे हैं अपने अपनी सोफे पे, कुर्सी पे, बेड पे, अब अगर आप उठना चाहते हैं तो आप अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देंगे कि जाओ उठ जाओ और किचन में जाओ खाना उठा लो। तो अगर आपकी बॉडी सेल्फ के इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट कर पाती है, सेल्फ के अकॉर्डिंग चल पाती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी हेल्दी है। लेकिन आप बॉडी को उठाना चाहते हैं लेकिन बॉडी को उठा नहीं पा रहे, तो हेल्दी है या कोई अनहेल्दी है। इसी तरह से अगर पार्ट्स ऑफ दी बॉडी आर इन हार्मनी, तो ये दो इंडिकेटर हैं जिनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि बॉडी हेल्दी है। अगर बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हार्मनी में है तब हम कह सकते हैं कि जो है बॉडी हेल्दी है। तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर इन हार्मनी का मतलब क्या, जैसे हमारी जीभ में हमारे टंग और हमारी दांतों का हमारे आंतों के साथ क्या कनेक्शन है। जैसे हम खाना खा रहे हैं लेकिन अब हमारी जीभ पे सलाइवा नहीं बन रहा, जब सलाइवा नहीं बन रहा तो खाना पचेगा या नहीं पचेगा, तो वो नहीं पचेगा, तो वो आंतों में जाके फंस जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स हार्मनी में है, तो अगर आंतों में और दांतों के बीच में और आंतों में और जीभ के बीच में अगर हार्मनी है, तो फिर हम खाना जीभ पे रखेंगे, दांतों से चबाएंगे तो आंतों में जाके वो पचेगा भी। लेकिन अगर हेल्थ के पॉइंट से हम देखें, बॉडी सेल्फ के अकॉर्डिंग काम कर सके और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स अगर हार्मनी में रहें, उसके लिए ये समझना जरूरी है कि ये कैसे होगा। तो ये बात ध्यान में आती है कि सेल्फ के लेवल पे सेल्फ रेगुलेशन होता है तो बॉडी में हेल्थ दिखाई देती है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द बॉडी, वर्क फॉर नर्चरिंग द बॉडी, फॉर प्रोटेक्टिंग द बॉडी एंड फॉर राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। तो अगर सेल्फ के लेवल पे मुझ में ये जिम्मेवारी की अभाव होता है, मुझ में ये जिम्मेदारी महसूस होती है मुझे कि मुझे अपनी बॉडी का नर्चर करना है, मुझे अपनी बॉडी प्रोटेक्ट करना है और मुझे अपनी बॉडी का राइट यूटिलाइजेशन करना है, अगर इतना ध्यान में आता है तो फिर हम सेल्फ के लेवल पे सेल्फ रेगुलेटेड हो जाते हैं और बॉडी के लिए जो करना है उसको करते हैं। और जो फिजिकल फैसिलिटी का रोल है वो तो इतना ही रोल है कि बॉडी जो है वो सेल्फ के अकॉर्डिंग काम कर सके और गुड हेल्थ में रहे, है ना। तो फिजिकल फैसिलिटी का अगर रोल देखें तो वो तीन रोल दिखाई देते हैं, एक तो बॉडी को नर्चर कर सके, बॉडी के प्रोटेक्शन में फिजिकल फैसिलिटी का रोल है, और बॉडी के राइट यूटिलाइजेशन में रोल है। तो जैसे नर्चर के लिए किस तरह की फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, तो फूड चाहिए, है ना। प्रोटेक्शन के लिए किस तरह की फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, कपड़े चाहिए, घर चाहिए, है ना। और बॉडी के राइट यूटिलाइजेशन के लिए किस तरह की इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट के मींस चाहिए, मोबाइल चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स की नीड है ना। तो फिजिकल फैसिलिटी की जो नीड है उसको हम पहचान सकते हैं। तो नर्चर के लिए फूड की रिक्वायरमेंट है,
क्लोथिंग और शेल्टर की रिक्वायरमेंट है प्रोटेक्शन के काम को पूरा करने के लिए, और इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट है बॉडी का राइट यूटिलाइजेशन करने के लिए। तो अगर आपके घर से आपके कॉलेज की दूरी 50 किलोमीटर है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की नीड है। अगर आप इसको राइट बॉडी का राइट यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप किसी ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से अपने कॉलेज में जाएंगे। अगर आप बॉडी का राइट यूटिलाइजेशन आपके ध्यान में नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि हम पैदल ही जा रहे हैं और पता लगा शाम को 3 बज गए 4 बज गए हम पहुंचे ही नहीं कॉलेज अपने। तो इंस्ट्रूमेंट की नीड है बॉडी का राइट यूटिलाइजेशन हो सके, क्लोथिंग शेल्टर की नीड है बॉडी का प्रोटेक्शन हो सके, और फूड की नीड है बॉडी का नर्चर हो सके। अब अगर क्वांटिटी को समझने जाएं तो क्या लगता है फूड की क्वांटिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? तो क्या लगता है हम 1 साल में जितना फूड चाहिए उसकी क्वांटिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? अगर सेल्फ रेगुलेशन के पॉइंट से देखें, अगर हमने अपनी बॉडी को नर्चर करना इस पॉइंट से देखें तो फूड की क्वांटिटी लिमिटेड चाहिए या अनलिमिटेड चाहिए? तो फूड की नीड जो है वो तो लिमिटेड है ना, उसको हम काउंट कर सकते हैं, वो सबके लिए अलग अलग होगी। तो मेरी नीड और मेरे बच्चे की फिजिकल फूड की नीड अलग अलग होगी। तो अगर मैं बहुत फिजिकल लेबर करता हूँ और अगर मेरा बच्चा फिजिकल लेबर नहीं करता तो मुझे ज्यादा फूड की जरूरत है। बट इस नीड को भी क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। तो फूड की नीड जो है बॉडी के नर्चर के लिए ये लिमिटेड है। इसी तरह से बॉडी को अगर प्रोटेक्ट करना है तो कपड़े की नीड लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? तो ये बात ध्यान में आती है, अगर बॉडी के प्रोटेक्शन के हिसाब से देखें तो कपड़े की नीड लिमिटेड है, बॉडी के प्रोटेक्शन के हिसाब से देखें तो घर की नीड लिमिटेड है। लेकिन अगर हमको ये क्लैरिटी ना हो कि कपड़े का पर्पस क्या है तो कई बार हम कपड़े से सुखी होने की सम्मान पाने की इच्छा जोड़ लेते हैं। तो कई बार हमने हमें ऐसा लगने लगता है कि जो है कपड़ा जो है उससे सम्मान मिलता है। तो ठीक से देखें क्या लगता है, आजकल के हमारे बच्चों को देखें कॉलेज में, या अगर हम अपने बच्चों को भी देखें तो उनको ये समझ में आ रहा है कि कपड़े की नीड किस पर्पस के लिए है? अगर अब हम एक्सप्लोर करना शुरू करें तो ये ध्यान में आता है कि कपड़े का पर्पस तो शरीर का प्रोटेक्शन है, ना कि शो ऑफ। और अगर आज हम अपने बच्चों को देखें तो क्या लगता है बच्चे किस काम में लगे हुए हैं? वो कपड़े को शरीर के पर्पस के पूरा करने के लिए पहन रहे हैं, शरीर के प्रोटेक्शन के पर्पस को पूरा करने के लिए पहन रहे हैं, या कहीं ना कहीं शो ऑफ के काम में लगे हुए हैं? तो अभी ये ध्यान में आता है एक बड़ी सिविलाइजेशन का एक बड़ा भाग पॉपुलेशन तो है वो तो शो ऑफ के काम को कर रही है कपड़े के थ्रू, और शो ऑफ करके वो जो है रिस्पेक्ट को पाना चाह रहे हैं। जैसे हम बहुत सारे बच्चों को देखें कॉलेज में फटे हुए कपड़े पहनकर आते हैं, कभी घुटने से फटा हुआ है, कभी आगे से फटा है, कभी पीछे से फटा है। ये मुद्दा क्या है, शरीर के प्रोटेक्शन के लिए पहना जा रहा है या कहीं ना कहीं दिखावे का काम हो रहा है? तो कहीं ना कहीं बच्चों ने ये मान लिया है इट इज कूल टू हैव है ना टॉर्न क्लोथ्स, तो उनको ऐसा लगता है कि फटा हुआ कपड़ा पहनने से सम्मान मिलेगा। लेकिन ये क्या है, ये रियलिटी है या ये अजम्पशन है? तो ये अजम्पशन है। तो इस तरह के अजम्पशंस आज हमारे सिस्टम में और आज हमारी मान्यताओं में बैठ चुके हैं, है ना। वही बच्चा अगर घर जाए और उसकी पैंट पे एक छेद हो जाए जितना एक गेहूं का दाना होता है और मम्मी बोले मैं इसको रफू करके पहना देती हूँ, तो वो नहीं पहनेगा। लेकिन वो 2000 रुपए की जीन्स लाएगा, उसको फाड़ के पहनेगा। क्यों पहनेगा, शरीर का प्रोटेक्शन चाह रहा है या शो ऑफ चाह रहा है? तो दिखावा चाह रहा है। तो क्या है, अगर नर्चरिंग के हिसाब से देखें तो फूड की नीड लिमिटेड है, अगर प्रोटेक्शन के हिसाब से देखें तो कपड़ों की और घर की नीड लिमिटेड है, अगर शरीर के बॉडी के राइट यूटिलाइजेशन के हिसाब से देखें तो फिर कार की नीड या इंस्ट्रूमेंट्स की नीड लिमिटेड है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि मुझे शो ऑफ करना है, जितनी बड़ी कार होगी उतना ज्यादा सम्मान होगा, तो फिर कितनी कार से है ना सम्मान मिलेगा, कितनी कारों से सम्मान मिलेगा, ये तय नहीं हो पाता। अगर किसी को ये ना पता चले कि जो घर का पर्पस है वो तो जो है शरीर का प्रोटेक्शन है, अपने फैमिली मेंबर्स के शरीरों का प्रोटेक्शन है, अगर ये पता ना चले तो फिर आदमी बहुत बड़ा घर बना भी लेता है सम्मान पाने के लिए, ऊंचे से ऊंचा ऊंचे से ऊंचा, भले ही घर में कोई रहने वाले लोग ना हो। तो हम ये देख सकते हैं कि बॉडी के नर्चर प्रोटेक्शन और राइट यूटिलाइजेशन के हिसाब से जो फूड की नीड है वो तो लिमिटेड है, जो प्रोटेक्शन क्लोथिंग और शेल्टर की नीड है वो लिमिटेड है, जो इंस्ट्रूमेंट्स की नीड है वो तो लिमिटेड है। तो इस बात को हमको बार बार अपने अंदर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि जितनी भी फिजिकल फैसिलिटी की नीड है हमारे लिए, क्या लगता है ये अनलिमिटेड है या ये लिमिटेड है? तो फिर ऐसा क्यों बन गया है कि इच्छाएं अनंत होती हैं? अगर इनकी नीड अगर हम एक्सप्लोर करें तो ये ध्यान में आता है कि इनकी नीड तो लिमिटेड है, नर्चरिंग के लिए नीड लिमिटेड है, प्रोटेक्शन के लिए नीड लिमिटेड है, और इंस्ट्रूमेंट के लिए नीड लिमिटेड है। तो फिर क्यों इतना मान्यताएं बन गई हैं कि इच्छाएं तो अनंत है ना, और ये कभी भी पूरी नहीं हो सकती? ये इसलिए हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं ने हमने अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को एक्सप्लोर करना शुरू नहीं किया है कि मुझे अपनी बॉडी के साथ करना क्या है। हेल्थ पे भी ध्यान नहीं आया, फिर सेल्फ रेगुलेशन पे भी ध्यान नहीं आया, इस कारण से फूड की नीड, क्लोथ शेल्टर की नीड, इंस्ट्रूमेंट की नीड, पैसा जमा करने की नीड, ये हमारी अनंत हो चुकी है।
तो ठीक से भी अगर देखें, इन सब बातों को रिफ्लेक्ट करें, तो आप महसूस कर सकते हैं, ये ध्यान में आ सकता है कि बॉडी के नर्चर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और राइट यूटिलाइजेशन के लिए जो फिजिकल फैसिलिटी की नीड है ये तो लिमिटेड है। लेकिन क्या लग रहा है, इस लिमिटेड नीड को भी हमने पहचाना है? तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, उसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर आप भरिएगा। तो क्वांटिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटी लाइक फूड रिक्वायर्ड फॉर नर्चरिंग माई बॉडी इज लिमिटेड और अनलिमिटेड, इसको देख सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटी लाइक क्लोथ हाउस शूज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट माई बॉडी इज लिमिटेड इन क्वांटिटी और अनलिमिटेड। इसी तरह से अगर ये देखें कि क्वांटिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटी लाइक मोबाइल कार्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू मेक राइट यूटिलाइजेशन ऑफ माई बॉडी इज लिमिटेड इन क्वांटिटी और अनलिमिटेड। तो ठीक से देखें, फिजिकल फैसिलिटी का जो पर्पस है वो पर्पस सिर्फ तीन है। या तो फिजिकल फैसिलिटी बॉडी को नर्चर करने के लिए यूज होगी, या वो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होगी, या वो बॉडी के राइट यूटिलाइजेशन को, बॉडी को बढ़ाने के लिए। अगर इन बातों को ध्यान में रखें तो किसी भी फिजिकल फैसिलिटी की नीड जो है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। लेकिन आज के समाज में क्या अजम्पशंस है ना फैल गए, अजम्पशंस तो ये आ गए कि इच्छाएं कभी भी नहीं पूरी हो सकती। लेकिन काफी सारे लोग ये महसूस कर पा रहे हैं कि जो बॉडी की नीड है वो तो लिमिटेड है ना। तो अगर इस बात को हम ना समझे तो फिर जो है वो अनंत इकट्ठा करने के चक्कर में आदमी लग सकता है, है ना। तो हम देख सकते हैं कि फिजिकल फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन गुड हेल्थ सो दैट राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी कैन बी एंश्योर्ड। तो फिजिकल फैसिलिटी का जो पर्पस है वो नर्चरिंग प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन है। और हम ये भी देख सकते हैं कि नर्चरिंग प्रोटेक्शन और राइट यूटिलाइजेशन के लिए जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो भी लिमिटेड है, और उसको हम समझ भी सकते हैं। इतनी बात अगर ध्यान में आ जाए तो अब हम प्रोस्पेरिटी को भी समझ सकते हैं। तो प्रोस्पेरिटी का मतलब है फीलिंग ऑफ हैविंग और प्रोड्यूसिंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी। सो नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, हम अपने शहर के सबसे अमीर आदमी हो या हमारा परिवार खुशहाल हो, जहां तक फिजिकल फैसिलिटी की बात है, तो ये बात देख पा रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट है नर्चरिंग प्रोटेक्शन और राइट यूटिलाइजेशन के हिसाब से वो तो लिमिटेड है ना। अब हम यहाँ पे आके प्रोस्पेरिटी को समझ सकते हैं। तो प्रोस्पेरिटी का मतलब है फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी। तो मैं प्रोस्पेरिटी की फीलिंग से जी सकूं, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि मुझे ये पता हो कि मुझे चाहिए कितना। तो अगर मुझे ये ही नहीं पता मुझे कितना चाहिए, तो फिर मैं कितना भी कमा लूं कभी भी मुझे ये फीलिंग नहीं आ सकती कि मेरी आवश्यकता से मुझे ज्यादा हो गया है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे परिवार दिखाई दे रहे हैं पिछले 30 सालों में जो उन्होंने कमा लिया है वो तो साथ साथ पीढ़ी के लिए कमा लिया है। लेकिन क्या लगता है आपको, ये महसूस होता है उनको देख के कि उनका पेट भर गया है, या उनका पेट भरा हुआ दिखाई दे रहा है, या अभी भी वो और छीना झपटी के काम में लगे हुए हैं, अभी और मल्टीप्लिकेशन के एक्यूमुलेशन के काम में लगे हुए हैं, है ना। तो आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं। हम इस बात को अपने लिए भी देख सकते हैं कि हमारे, हमको भी क्या लग रहा है, हम प्रोस्पेरिटी के लिए पैसा कमा रहे हैं, सुविधाएं कमा रहे हैं, या कहीं ना कहीं हमने भी अपनी नीड का आइडेंटिफिकेशन नहीं किया और हम भी बेसिकली क्या है इस रैट रेस में लग गए हैं। इसको हम अपने लिए भी देख सकते हैं। हम अपने आप से ये भी पूछें कि मुझे चाहिए क्या, मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है। प्रोस्पेरिटी चाहता हूँ, जितनी मेरी नीड है उससे ज्यादा की अवेलेबिलिटी चाहता हूँ, या मैं अपने शहर का, अपने स्टेट का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। तो अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस को समझने की कोशिश करें वो तो प्रोस्पेरिटी की फीलिंग है। फीलिंग ये तभी आएगी जब मुझे अपनी नीड का आइडेंटिफिकेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक गिलास लें, आपके सामने कोई गिलास रखा होगा पानी का, आप अगर उसका बेस हटा दें तो उसमें अगर आप पानी डालने की कोशिश करें तो क्या लगता है वो कभी भरेगा? वो कभी भी नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? उसका एक बड़ा कारण ये है क्योंकि उसका बेस ही नहीं है। इसी तरह से अगर हम अपने आप को देखें, अपने परिवार को देखें, अगर मैंने, मेरे बच्चों ने, मेरी वाइफ ने, हमने मिलके अपनी नीड का आइडेंटिफिकेशन ही नहीं किया तो ये भी उस गिलास की तरह है जिसका बेस नहीं है, ये कभी भी नहीं भरेगा। और हम भले ही करोड़ों कमा लें, अरबों कमा लें, इसीलिए अगर हमने तृप्त होना है, अगर हमने प्रोस्पेरस होना है, तो ये बात समझनी जरूरी है कि मुझे और मेरे परिवार को फिजिकल फैसिलिटी की कितनी नीड है। इतना अगर हो जाए, सही समझ के साथ अपने परिवार की नीड का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, फिर हम उससे ज्यादा की अवेलेबिलिटी को एंश्योर कर सकते हैं विद राइट स्किल्स, है ना। एज ए रिजल्ट हम प्रोस्पेरिटी की फीलिंग से भर सकते हैं। अभी देखें तो समाज में क्या लगता है, हमारे बच्चे क्या लगता है जो कॉलेजों में हम पढ़ा रहे हैं, इनको प्रोस्पेरिटी समझ में आ रही है? क्या ये प्रोस्पेरिटी के लिए काम कर रहे हैं, या 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार की तनख्वाह बढ़ने के साथ ये 5 साल में 20 जॉब चेंज कर लेते हैं, 10 जॉब चेंज कर लेते हैं, है ना। कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको प्रोस्पेरिटी का सेंस नहीं है।
कमाते तो जा रहे हैं, इनकम तो बढ़ती जा रही है, लेकिन वो प्रोस्पेरिटी का सेंस नहीं है, है ना। और अभी एक और इशू ये है कि पहले तो जब 30 साल पहले देखें अनाज घर में आता था तो पूरा अनाज का गोदाम भर जाता था, तो कुछ समझ में भी आता था प्रोस्पेरिटी है। अभी तो जो है कॉइन से जो है कागज में आ गया, कागज से जो है नंबर में आ गया, नंबर से कार्ड में आ गया, तो कितने जीरो बढ़ रहे हैं उससे कोई सेंस ऑफ प्रोस्पेरिटी होता है या नहीं होता उसको भी सोचने की बात है ना। तो ये कागज का बढ़ जाना, ये जीरो का बढ़ जाना बैंक में, ये प्रोस्पेरिटी का रियल इंडिकेटर भी है या नहीं है, इस पे भी थोड़ा ना रिफ्लेक्ट करने की बात है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम प्रोस्पेरस हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि दूसरा आदमी प्रोस्पेरस है। तो प्रोस्पेरस आदमी वो होगा, इसका एक सिंपल इंडिकेटर ये है कि जो अपनी सुविधा का राइट यूटिलाइजेशन कर रहा है, अपनी गाड़ी का राइट यूटिलाइजेशन कर रहा है, अपने घर का राइट, अपनी फिजिकल फैसिलिटी का राइट यूटिलाइजेशन कर रहा है, वो आदमी प्रोस्पेरस है। और वही आदमी प्रोस्पेरस है जो दूसरों को भी नर्चर करने की सोचता है। जो आदमी डिप्राइव्ड है, कैसे पता लगेगा डिप्राइव्ड है, उसके पास फिजिकल फैसिलिटी तो बहुत हो चुकी है, लेकिन उसको वो दूसरों को शेयर, दूसरों को नर्चर करने के बदले वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करता रहता है और फिजिकल फैसिलिटी का भी दुरुपयोग करता है, तो वो आदमी जो है वो आदमी डिप्राइव्ड है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि बॉडी के नर्चर, प्रोटेक्शन और राइट यूटिलाइजेशन के हिसाब से जो हमारी फिजिकल फैसिलिटी की नीड है उससे क्या ज्यादा आज के दिन भी इस लॉकडाउन में भी अगर आप देखें आपके पास बॉडी को नर्चर को ध्यान में रखते हुए फिजिकल फैसिलिटी पूरी है कि नहीं है, प्रोटेक्शन के हिसाब से जितनी जरूरत है घर की, है ना, कपड़ों की, जूतों की, वो उससे ज्यादा आज के दिन भी अवेलेबल है या नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत जितनी भी है बॉडी के राइट यूटिलाइजेशन के हिसाब से जरूरी है कि नहीं है। तो नर्चर, प्रोटेक्शन और राइट यूटिलाइजेशन के हिसाब से देखेंगे तो आज भी आप बैठे बैठे प्रोस्पेरिटी की फीलिंग से भर सकते हैं। लेकिन अगर हमको सम्मान पाके सुखी होना है, कपड़े से सम्मान पाना है, घर से सम्मान पाना है, गाड़ी मोबाइल से सम्मान पाना है, तो कितना बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, कितना बड़ा घर बनाएंगे, इससे ये कुछ तय नहीं हो पाता, है ना। तो इस बात को आप देख सकते हैं, हम लोग इस बात को भी समझने का प्रयास कर सकते हैं क्या हम प्रोस्पेरस हैं या नहीं है। तो अगर हमारे को ये पता लगता है कि हमारी नीड से तो पहले ही बहुत ज्यादा है, तब हमें ये एहसास आ सकता है कि हाँ हम प्रोस्पेरस है ना। तो ये बात हम क्वेश्चन से भी देख सकते हैं। फिजिकल फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड मेकिंग राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। द क्वांटिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटी आई हैव टूडे इज नॉट सफिशियंट, आई नीड मोर। इट इज सफिशियंट बट आई स्टिल नीड मोर फॉर फ्यूचर। इट इज सफिशियंट फॉर टूडे एज वेल एज टुमोरो। इट इज मोर, मच मोर देन सफिशियंट। तो तीसरे वाले में थोड़ा करेक्शन है, इट इज सफिशियंट फॉर टुडे एज वेल एज टुमोरो और फ्यूचर। और चौथा ऑप्शन ये है, इट इज मोर देन सफिशियंट, कि जितनी आपकी नीड है वो सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है, सफिशियंट है, लेस है ना, या और चाहिए। और दूसरा है फ्रॉम देश से, पहले से ही प्रॉपर अभी प्राइवेट है, मतलब यह है कि नीड का आइडेंटिफिकेशन भी है और उससे ज्यादा की अवेलेबिलिटी भी है। अब जब मेरे घर में कोई आता है तो मैं उसके साथ भी शेयरिंग कर पाता हूँ, मैं उसको भी खिला के खाता हूँ। अभी तो कई बार कुछ घरों में हालात ये हो गए हैं कि अगर हमारे घर में पकौड़े बन रहे हो और कोई पड़ोसी आ जाए तो आदमी पकौड़े जो है वो बनाना ही बंद कर देता है ना। तो वो जो है सिर्फ चाय पिला के भेज देते हैं या पूछ लेते हैं चाय पी के जाओगे, चाय पियोगे या चाय नहीं पियोगे, अभी भाषा ऐसे बन गई है। लेकिन आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले देखने जाएं तो ये होता था कि अगर कोई घर में आ गया और अगर खाने का समय है तो वो खा के ही जाएगा, है ना। ठीक से देखें, अभी तो हालात ये हो गए हैं कि जब कोई घर में आता है तो पहले तो होता था कि हम वो खाए और फिर वो जाए, अब ये हो गया कि ये जाए तो हम खाएं। तो क्या लगता है समाज में, परिवारों में, कॉलेजों में प्रोस्पेरिटी की फीलिंग बढ़ रही है या कहीं ना कहीं डेप्रिवेशन बढ़ रहा है। तो ये तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन तो हो रहा है पर डेप्रिवेशन भी बढ़ रहा है। तो काफी सारे लोग ये महसूस कर पा रहे हैं कि जितनी हमारी आवश्यकता है वो नर्चर के हिसाब से, प्रोटेक्शन के हिसाब से, राइट यूटिलाइजेशन के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है ना। इसको हम देख सकते हैं। तो अगर इसको कंक्लूड करने के हिसाब से देखें तो इसमें अभी अगर स्टेट को देखें तो अभी का प्रॉब्लम क्या है, अगर इस फाइनल इवेल्यूएशन को करें तो कहीं ना कहीं हमने सेल्फ को पहचाना नहीं है, हमने सेल्फ और बॉडी के कोएग्जिस्टेंस के रूप में अपने को देखने का एफर्ट नहीं किया है। हमने क्या मान लिया है, मैं बराबर बॉडी, ह्यूमन बीइंग इक्वल टू बॉडी। जब मैंने अपने आप को मान ही शरीर लिया है और जब मुझे सेल्फ का पता ही नहीं है, जब मुझे अपने होने का पता ही नहीं है, तो जो बॉडी की नीड है फिजिकल फैसिलिटी, तो मुझे लगता है कि ये जो सेल्फ की नीड है रिस्पेक्ट, ये जो है फिजिकल फैसिलिटी से ही पूरी होगी। और जो रिस्पेक्ट की नीड है वो टेम्पररी है या कंटिन्यूअस है, तो रिस्पेक्ट की नीड क्योंकि ये एक फीलिंग है, ये कंटिन्यूअस नीड है।
तो मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि जो फिजिकल फैसिलिटी है इसको भी अनलिमिटेड जरूरत है, क्योंकि अनलिमिटेड कमा के ही जो मैं कंटिन्यूअस रिस्पेक्ट को पूरा कर सकता हूँ। तो अगर मेरी अपने बारे में एक अजम्पशन गलत हो जाए, आई एम इक्वल टू बॉडी, अगर मैं ये मान लूँ कि आई एम इक्वल टू बॉडी और अगर मुझे अपने सेल्फ का पता ना हो, तो सेल्फ की जो रिस्पेक्ट है, नीड है रिस्पेक्ट की, तो फिर उसके बारे में भी मैं यही मान लेता हूँ ये फिजिकल फैसिलिटी से पूरी होती है। और अगर सेल्फ की नीड को देखने जाए, रिस्पेक्ट को देखने जाए, वो कंटिन्यूअस है, तो फिर यही मान लेते हैं अनलिमिटेड फिजिकल फैसिलिटी से ही पूरी होगी। तो फिर जो जीने का प्रोग्राम बनता है वो प्रोग्राम हो जाता है एक्यूमुलेशन ऑफ अनलिमिटेड फिजिकल फैसिलिटी। उसके बाद आउटकम क्या है कि जितना जितना कमाते जाते हैं डेप्रीवेशन बना ही रहता है। तो एक तो फीलिंग ऑफ डेप्रीवेशन बना रहता है, आई डोंट हैव इनफ ये फीलिंग बनी हुई है, इसके लिए और मेहनत भी करते रहते हैं, और जितना जितना मेहनत करते हैं जमा करते हैं, ये जमा होता रहता है, ये जमा भी होता रहता है, लेकिन कभी ये एहसास पैदा नहीं होता कि हाँ अब बॉस बहुत हो गया, अब जितनी नीड थी उससे ज्यादा हो गया, और हम इस पागल कर देने वाले साइकिल के अंदर उलझ जाते हैं, इस लूप के अंदर फंस जाते हैं। तो हम इसको अपने लिए भी चेक कर सकते हैं कि हम भी तो इसमें कॉट अप नहीं है कि कमाते तो जा रहे हैं लेकिन जो है वो होता भी जा रहा है। तो आप अपने लिए देखिए, ये पोल नहीं है, ये बेसिकली आप अपने लिए एक रिफ्लेक्शन देखिए कि आप जब आप बैठे हैं, चाहे तो अपने परिवार के साथ बैठे हैं, चाहे आप अकेले में बैठे हैं, आप अपने आप से पूछिए कि आपके जीने का प्रोग्राम भी कहीं ये तीनों तो पॉइंट नहीं हो गया कि हमको बार बार लगता है कि अभी तो बहुत कमाना है, अभी तो और कमाना है, अभी तो बुढ़ापे के लिए कमाना है, अभी तो पेंशन हो जाए, है ना, अभी तो और जॉब हो जाए, अभी तो प्रोफेसर बन जाए, अभी तो डायरेक्टर बन जाए, वाइस चांसलर हो जाए, है ना, ये भविष्य को ही सिक्योर करने में लगे हैं। तो ये देखिए कि हम कहीं ना कहीं इस लूप में तो नहीं फंस गए हैं, या कहीं ना कहीं हमें सेल्फ है, सेल्फ की नीड कंटिन्यूअस हैप्पीनेस है जिसका फुलफिलमेंट राइट अंडरस्टैंडिंग राइट फीलिंग से हो सकता है, हमें उसका कुछ प्रोग्राम भी ध्यान में आया, हमें ये भी ध्यान में आया कि जो सेल्फ का फुलफिलमेंट है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस का, वो तो राइट अंडरस्टैंडिंग राइट फीलिंग से पूरा होगा, वो भी प्रोग्राम हमारे ध्यान में है, या बाय एंड लार्ज मोटा मोटी हम लोग फिजिकल फैसिलिटी को जीने का एकमात्र प्रोग्राम मान चुके हैं। इसको भी ये लोग देख पा रहे हैं कि कैसे लोग जो है इसमें फंसते जा रहे हैं। तो ये बात को जो है रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि हमने क्या मानव की आवश्यकताओं को समझा भी है, अगर समझा है ना, और क्या राइट यूटिलाइजेशन को समझा है, और ये जो प्रोडक्शन इतना इतना हो रहा है और उसके बाद भी इतना इतना वेस्ट हो रहा है, खाने को लेके देखें, कपड़े को लेके देखें, तो क्या लगता है हमने प्रोडक्शन के इशू हैं ये, रिलेशनशिप के इशू हैं ये, राइट अंडरस्टैंडिंग के इशू हैं ये, या एजुकेशन के इशू हैं ये, किस चीज के इशू हैं? ठीक बात है, बहुत ऑनेस्टली है ना आप लोग भर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना, आप ये देख पा रहे हैं। ये पोलिंग देखिए हमारे से ज्यादा आपके अपने लिए इम्पोर्टेंट है, जब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये कोई सर्वे नहीं है, ये बेसिकली आप अपने लिए देख सकें इस ऑनलाइन माध्यम से, उसके लिए ये रिफ्लेक्शन का पॉइंट है, इसको समझना जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है मोती भैया अभी मैं इतना ही रोक देता हूँ क्योंकि समय भी हो गया है, और सब लोग इस पे रिफ्लेक्ट कर लें और फिर इवनिंग में हम इसको और 5 बजे, हाँ 5:30 बजे हम लोग भैया वापस आके। जी, तो तब तक जो है अभी सब मुद्दों पर रिफ्लेक्ट कीजिए। आज हम लोगों ने हार्मनी इन दी ह्यूमन बीइंग के बारे में बात की, सेल्फ बॉडी का कोएग्जिस्टेंस, फिर डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन इमेजिनेशन के बारे में, और इमेजिनेशन का मोटिवेशन क्या है, सेंसेशन है, नेचुरल एक्सेप्टेंस है, या प्री कंडीशनिंग है, फिर हमने हार्मनी प्रोस्पेरिटी के बारे में बात